please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। मुझे मालूम है आपको बोलना है, रोटी एक कम खाएंगे लेकिन बोलेंगे आप जरूर, ये मुझे मालूम है। आज आप बोलेंगे जरूर, मुझे मालूम है। बोलने के लिए ही ये मंच है, ऑफ कोर्स ये मंच बोलने के लिए ही है। आपकी अपनी बात अगर आपने नहीं कही तो सब बेकार। क्या नाम है आपका? चंद्रकांता। अच्छा वाह, बहुत ही अच्छा नाम है आपका, चंद्रकांता। आपका? मेरा प्रियंका। हाँ प्रियंका, चंद्रकांता मौजूद है, लेकिन बातचीत की शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूंगा। मैं आया पैनल के पास और फादर हमारे साथ मौजूद हैं, फादर से मैं जानना चाहूंगा। लेकिन हाँ जी, क्या बोला जी? इस तरह की अगर ये संगठन बातें नहीं करेंगे तो इनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, और बच्चों को ये मिशनरी स्कूलों में खुद पढ़ाते हैं और बातें इस तरह की दकियानूसी बातें करते हैं ये लोग, तो डबल स्टैंडर्ड खुद ये एक माइंड से काम करते ही नहीं है जी। ये दोहरा थाली मान सकता थाली के बैंगन है ये, एक तरीके से देखा जाए तो। आज इनका कोई स्टैंड नहीं है, थाली के बैंगन है। सर मैं चाहता हूँ हिंदू मुसलमान के जो डिबेट शो होते हैं, हाँ। इस तरह के डिबेट शो बैन लगना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए सर, क्योंकि इस तरह से डिबेट शो होते हैं, समाज में नफरत फैलती है। बिल्कुल बंद कर दे। और आपका नाम, आप क्या करते हैं? सर आशिफ खान है मेरा, मैं जॉब करता हूँ। और सर इस पे एक कानून बनना चाहिए कि इस तरह के डिबेट शो ना हो। बिल्कुल, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करूंगा, सबसे पहले स्वागत करूंगा। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम यहीं से सबसे ज्यादा होता है। आसिफ भाई मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा आसिफ भाई, मैंने बहुत सारे लोग हैं, मैं आऊंगा आसिफ भाई बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी बात को फिर दोहरा देता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान डिबेट पे मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बात बिल्कुल सही है। जी जनाब। जी सर, सभी धर्मों के फेस्टिवल को मनाना चाहिए, यही लोग जाकर घर में फिर 1 जनवरी भी मनाएंगे जी। 1 जनवरी का भी उत्सव यही लोग मनाएंगे फिर जाकर। ये सब एक पॉलिटिकल मुद्दा है नेताओं का, आज से सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे अपना फेस्टिवल मनाते आए हैं, ईद हो, होली हो, बैसाखी हो, क्रिसमस हो, ये सब खाली बस पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दा जरा आने आगे आगे जी, आइए 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 आइए, बोले जी जी शॉप। सर भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को अपने अपना बात कहने की और बात त्योहार मनाने की आजादी है, अधिकार है सर। लेकिन ये क्यों करते हैं, सवाल तो ये है सर, ये सवाल ये है कि जो ये सरकार ये विकास के मुद्दे पर लड़ी थी, ये विकास तो कर नहीं पाई है, तो धार्मिक भावना में जनता को उलझा रही है। देश का युवा चाहता है शिक्षा, चाहता है डेवलपमेंट, चाहता है और रोजगार चाहता है, इससे भटकाने की ये साजिश चल रही है सरकार की। अजी भाई सर, ये शिक्षण संस्थान की बात करते हैं, बोलते शिक्षण संस्थान में ये सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है। सर कबीर दास से बड़ा कोई आज तक नहीं रहा सर। कबीर दास ने कहा था कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद ले चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए उन्होंने कहा था कि पाथर पूजे गुरु मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर आज कबीर दास होते तो ये लोग सीधा पाकिस्तान भेज देते उसको, या कहीं और नेपाल भेज देते। गुरु गोविंद दो खड़े, क्या बात है, क्या बात है हुजूर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। कबीर 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 की वाणी आपने सुनाई, कबीर की साखी साखी आखी ज्ञान की जी। एक तरफ हम कहते हैं कि विश्व स्तर एकता, और एक तरफ हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं जो मायने नहीं रखती, हमारा डेवलपमेंट मायने रखता है जी, डेवलपमेंट मायने रखता है। चंद्रकांता जी आप सेल्फी लेंगी या कुछ बोलेंगी भी क्या नहीं, बस आप वाह जी। सर मेरा है कि ये जो आरक्षण है हमारे देश में है, सबसे बड़ा विकराल रूप आरक्षण है, और ये आरक्षण के वजह से हमारे जितने भी नौजवान हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और हमारा जब गवर्नमेंट मैं जानता हूँ आरक्षण आरक्षण एक ऐसा मुद्दा, लेकिन इसको इसको कोई पॉलिटिशियन या कोई भी न्यूज इतना हाईलाइट करता क्यों नहीं, सब डरते क्यों है, मैं बताऊं बेटा से डरते क्यों है, मैं बताऊं क्यों लगा था, सिर्फ 10 सालों के लिए लगा था हमारे देश में, और आज इसको लेते चलते चलते 70 सालों तक चले गए, लेकिन आज तक इस आरक्षण को लेकर इतना बड़ा मंच कभी बना नहीं हमारे देश में, और इसका सारे जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे साथ नौजवान है, उनको इसका गंभीर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इस पर बहस होनी चाहिए बहुत जल्दी, यहीं पर इस पर बहस करेंगे जी। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पुराने इतिहास को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो अब देश में जो प्रॉब्लम होती है, हम भाई हैं एक तरह से, चाहे हम हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, और हमारा जो भारत है हमें पूरी आज़ादी मिली है कि हम अपने त्यौहार को मना सकते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित भाई आगे आइए,
आगे आइए, अंदर आइए। क्या नाम है आपका? रोहित। क्या काम करते हैं आप? मैं सर काम करता हूँ ऑफिस। कौन सा काम करते हैं? मैं सर फाइल वगैरह ले जाता हूँ। रोहित भाई एक ऑफिस में काम करते हैं, फाइल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये इनका परिचय नहीं है। परिचय इनका यह है कि इनका दिमाग तंग नहीं है, इतना खुला है, इतना आसमान की तरह खुला है। ये कहते हैं हम अपना इतिहास तो बदल नहीं सकते लेकिन हम अपना वर्तमान तो बना सकते हैं। ताली बजानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। क्या बात है, आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने एक प्रोग्राम को रखा है कि हम अपने बातों को रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही रोहित भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के जो लोग फौजी हैं, हाँ। जो बीएसएफ की सेना है, हाँ। जो वहाँ पे रक्षा कर रही है, हाँ। वो कभी ये नहीं पूछते कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है। कभी नहीं, फौजी भाई खड़े हैं, वो कभी नहीं पूछते। वो उनका सिर्फ एक ही चीज है कि हमें देश की सुरक्षा करनी है और हमें देश के लिए लड़ना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन मैं फादर आपको खड़ा करना चाहूंगा, हमारे साथ फादर मौजूद। फादर साहब ये जवाब दो, इन्होंने बात को शुरू करी थी अजय गौतम जी ने, मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अपने धर्म को मनाने की आजादी है लेकिन आप क्रिसमस आता है तो आप कहते हैं कि सेंटा क्लॉज बन जाओ, आप कहते हो क्रिसमस ट्री ले आओ, कहीं ना कहीं आप दोहरी मानसिकता रखते हैं, ऐसा उनका कहना है। ऐसी दोहरी मानसिकता मुझे नहीं लगता है। अपने अपनी बात से मैं शुरू करूं, केरल में पैदा होकर मैं उत्तर भारत में हिंदी साहित्य में अध्ययन करके पीएचडी तक करके मैंने सूरदास और तुलसीदास से श्री राम और श्री कृष्ण का अध्ययन किया, मैंने मजे से मैंने अध्ययन किया, वो एक कोई परायापन मेरे भीतर नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। अभी भी खास तौर पर श्री कृष्ण के निष्काम कर्म से मैं प्रेरणा लेता हूँ। अपना परायापन जो है सिर्फ सियासती बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म जुड़ने का काम है। पर्व हर पर्व ये है कि एक दूसरे से जुड़ने का ये मौका है। अब हमने मजे से होली भी खेली है हमारे हिंदू दोस्तों के साथ। ये परायापन जो है मन की गंदगी है, वो अधर्म है, इसको इस देश से निकालना जरूरी है। हमारा देश गजब का देश है जहाँ में सभी धार्मिक परंपराएं हैं। क्या बात है, केरल में पैदा हुए, उत्तर में काम करते हैं, हिंदी बोलते हैं, कृष्ण से प्रेरणा लेते हैं निष्काम कर्म की। इसी प्रकार हर मजहब के जो महा पैगम्बर है। मैं खड़ा करना चाहता हूँ अजय जी, अजय जी बताइए, कुछ सुन के कुछ लगा? हाँ लगा मुझे कि एक चुल्लू भर का भी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मेरे को ये लगा, पहली बात तो देखिए हमारे यहाँ फादर की नहीं ब्रदर की परंपरा, मैं आपको ब्रदर कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ परमपिता को मानते हैं और किसी को नहीं मानते, ठीक है। दूसरी बात ये, आप सेंटा क्लॉज की टोपी ओढ़िए ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है, खूब ओढ़िए, लेकिन वो सेंटा क्लॉज की टोपी दूसरों को मत बनाइए। पहले हिंदुओं ने 67 साल टोपी लोग राजनीतिक पार्टियां बनाती आई हैं, ठीक है, इसलिए और टोपी मत बनाइए। हमने कभी नहीं कहा कि आप मत बनाइए, आप क्रिसमस जो आपका राइट है आप उसको सेलिब्रेट करिए, लेकिन आपके स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फोर्स मत करिए प्लास्टिक का, उसको क्रिसमस ट्री को लाने के लिए उनके दिमाग को पॉल्यूटेड मत करिए कि सिर्फ सेंटा क्लॉज ही आपकी विश पूरी कर सकता है, बाकी आपकी विश कोई पूरी नहीं कर सकता। हमारी दिक्कत यहाँ है, और अभी कई लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, मैं आप क्लियर कर दूं, मेरे बच्चे जो आर्य समाज संस्थान में पढ़ते हैं, मैंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाया। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारी कथनी और करनी में फर्क है, मैं इसलिए उस अजय आपके आपके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, अजय आपके ऊपर जो बात अजय आपके ऊपर नहीं, अजय आपके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कोई विरोध नहीं कर रहा, आप सेलिब्रेट करिए जैसे आप चाहते हैं सेलिब्रेट करिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है बच्चों को जो बाकी रिलीजन के हैं, वो छोटे बच्चे हैं, उनका दिमाग कोमल है, उनको पॉल्यूटेड मत करिए कि सेंटा क्लॉज ही आएंगे। तो आप लकीर लंबी खींच, आप अपनी लकीर बड़ी खींच लीजिए, छोटी करने का प्रयास। देखिए प्रदूषण की बात है, मन को प्रदूषित करने की जो बात है, हमारा देश जो गजब का देश है पूरी दुनिया में, ये देश जरूरत से ज्यादा सांप्रदायिक और सियासती होता जा रहा है, ये हमारे देश के जनता को प्रदूषित कर रहा है। ये जो क्रिसमस ट्री की बात है, यहाँ सांता क्लॉज बच्चे मजे से खुद खरीद के बाजार में है, बाजार में खुद लाके लेते हैं, मैंने थोड़ी कहा, किसी ने नहीं मैं कहा, खुद लेते हैं वो, तो ये सब है। अब होली में जब गणेश, मैं अपने ऊपर मैं डालता हूँ,
मैंने कहने का मतलब ये छोटी बात है, ये छोटी छोटी बचकानी बातों को उठाकर ये समाज को प्रदूषित नहीं करना है, हमारे देश को विकास की ओर ऐसा। हम हमारे सबका कहना है जन ही जनार्दन है। अभी वहाँ एक बच्ची थी उसने बड़ी अच्छी बात कही, हम सब भारतीय हैं, हमारी धार्मिक पहचान बाद में हम भारतीय हैं। और अभी मैं फादर से एक बात कर रहा था, ये भारत वही है जहाँ मक्का के बाद सबसे पहली मस्जिद बनी, और ईसा मसीह के जो सब साथी जिन्होंने आखिरी डिनर उनके साथ का सेंट थॉमस, वो सबसे पहले किसी देश में न गए केरल पहुंचे हैं। हमारा कहना है सदियों से हम लोग साथ चलते आ रहे हैं। वो एक हमारा फौजी यहाँ खड़ा हुआ है, मैं उनसे पूछता हूँ, जैकब जिन्होंने जनरल नियाजी घुटनों पे टेकने पे मजबूर कर दिया था, क्या उस लेफ्टिनेंट जनरल जैकब से हमने पूछा था कि तुम सांता क्लॉज मनाते हो नहीं मनाते हो? हमारा कहना है देश को प्रदूषित मत कीजिए। राम कृष्ण गुरु नानक कबीर तुलसी जितने भी हैं, रज खान ने होली के गीत लिखे थे, क्या मैं रज खान को आज काफिर करार दे दूंगा? भारत को भारत रहने दीजिए, इसको अपने अपने धर्म के नक्शों से मत देखिए। लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, भारत को भारत विश्व गुरु बनने दीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी 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 मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से बनारस से हूँ, मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा जो है वो धार्मिक तो राजनीति बनाती है, हम तो आम इंसान है, हम लोग कोई राजनीति नहीं खेलते हैं, हमको जैसे जीना है हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए जीने के लिए, इसे कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, बस यही कहना है। यही कहना है। अब आपकी बारी आती है नवीन कुमार जी, आप बताइए। प्रतीक भाई, पहली बात तो ये है कि किसी ने कोई त्यौहार मनाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आपत्ति कहाँ है? इन लोगों को ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। पहले इस देश के अंदर करीब 2.5 करोड़ क्रिश्चियन लोग थे, आज 7.5 करोड़ हैं। पहले 15 चर्च हुआ करती थी, 15 लाख, आज 40 लाख चर्च हैं। कश्मीर में बारामूला में तो और ये गलत बात है क्या? सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं गलत और सही की परिभाषा भी दूंगा, मेरी पूरी बात एक मिनट सुन लीजिए, कंप्लीट करूंगा, जल्दी करता हूँ, सुन लीजिए। श्रीनगर में और बारामूला में, श्रीनगर, हाँ करेक्ट, आप करेक्ट करना, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद करिए, मेरी बात पूरी बात सुन लीजिए। श्रीनगर में और बारामूला में 2011 से लेकर 2014 में बड़ी तादाद में मुस्लिम लोगों को क्रिश्चियन बनाया गया। ये रिपोर्ट्स केवल मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट्स मीडिया में सब जगह आई हुई रिपोर्ट्स हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, केवल इतना सा बता दीजिए कि आप पहले धर्म परिवर्तन हुआ करता था बंदूक की और तलवार की नोक पर। गुरु तेग बहादुर जी ने, महाराजा रंजीत सिंह ने अपने 2 बेटों को कुर्बान कर दिया केवल इसीलिए कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज लालच दे के धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अपने आप जो जहाँ चाहे उसे जाने की आजादी है। देखिए, पहली बात यह है, आपने जो बताया 7.5 करोड़ ईसाई है, ये बिल्कुल गलत है। ये सही है, रिपोर्ट है, गूगल में डालिए, अभी निकाल लीजिए, और ये सरकार का आग्रह। 2.3 है ईसाई की संख्या, बस उतने ही है। आप इसको बढ़ा चढ़ाकर मतलब झूठ बोल रहे हैं पब्लिक पे, ये गलत है। दूसरी बात ये है, धैर्य धर्मांतरण की बात है, अपनी आस्था को बदल सकते हैं, अपने कपड़े बदल सकते हैं, अपनी भाषा बदल सकते हैं, अपनी राष्ट्रीयता बदल सकते हैं, उसमें तो कोई दबाव नहीं होना चाहिए ना। आप धर्मांतरण कराने के लिए आप लालच मत दीजिए, आप कश्मीर में लोगों को लालच देकर के बदलेंगे तो गलत होगा। आप जिन पर केरल के अंदर 85% हो गए, मेरी बात सुन लीजिए ना भाई, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, यही बात कह रहे हैं ना। बिल्कुल, देखिए आप धर्मांतरण की जो बात कर रहे हैं, आप जबरदस्ती मेरे ऊपर कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको सुनना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आस्था, देखिए बदलना मतलब बदलाव दुनिया की हकीकत है, हर चीज को बदलने का हक हर एक मानवाधिकार है। ये अब आप बात मत कीजिए, ये आप हमारी बात सुनिए, ये सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदू समुदाय में है। मैं एक रामकृष्ण मिशन में जब गया, वो बोले हम हिंदू परंपरा से मैं रामकृष्ण मिशन में शामिल हो गया। और रिकॉर्ड पूछिए, एक जैन के अंदर इन्होंने ईसाइयत की श्रद्धा दिखाई, सिर्फ गरीबों को, जो शोषित है, जो पिछड़े है, जो दलित है, उनको लालच देते। देखिए ऐसा ये फादर, कोई भी देश में हिंदू बनाए मुसलमान जबरदस्ती कोई भी करता है, बार बार कहा जा रहा है, सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, पहली चीज। फिर यहाँ नवीन जी से और आदित्य जी से मैं हाथ जोड़ के एक बात पूछता हूँ, ये दोनों लोग वो हैं जिस तरीके से इनकी आस्था, मेरी भी आस्था श्री राम में है, मैं भी श्री कृष्ण में आस्था रखता हूँ, लेकिन 26 नवंबर को
22 प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ कहा था उसके बाद उन सारी प्रतिज्ञाओं को भुला के ये अम्बेडकर जयंती मनाए वोट के लिए, तब तो इनको राम याद नहीं आते, तब इनकी सियासत कहाँ चली जाती है? सवाल है मैं पूछूंगा लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस से बगैर वक्त गवाए जनता के पास जाने का मौका, और वो मौका नहीं चूकना चाहिए। कहाँ से हैं आप जी? भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार से कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, बस सब अपना अपना, सब धर्म के लोग सब यहाँ त्योहार मनाते हैं, ये भी मनना चाहिए, सब मनाएं, सब मनाएं, सब लोग मिलना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? रोनिल। हैं रोनिल, तुम्हारा क्या नाम है? आनंदी। हैं आनंदी। आनंदी, तो कब है, क्या कौन सा त्योहार आ रहा है? क्रिसमस। क्रिसमस आ रहा है, मनाओगे? क्या बात है, मम्मी पापा कहाँ है? खड़े पीछे। ओहो, क्या बात है पाजी। हाँ जी सर, मैं यूपी बस्ती जिला से हूँ। हाँ जी, जी जी। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, हाँ, कि यहाँ पे जातिवाद के नाम पे ये होता है सारी चीजें, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पे यहाँ पे सारी चीजें करी जाती हैं, हाँ। लेकिन कभी कोई ये बात नहीं करा कि गांव में लोग कैसे सड़क, कैसी सड़कें हैं, कैसी बिजलियां हैं, कैसे लोग चलते हैं। हम मार्केटिंग के बंदे हैं, पतंजलि कंपनी में काम करते हैं। जब बाइक लेके सुबह निकलते हैं सर, तो ऐसे गाड़ियां चलती हैं जैसे लगता है कि पत्थर पे चल रहे हो। यूपी इलेक्शन में आपने अच्छे से देखा है कि गाँव की हालत क्या है, आंखों में पानी आपके आ गया था। यस सर, ये हालत है सच्चाई। और सर कभी ये नहीं कहा गया जो ये लोग बैठे हुए हैं, मेरे को इनसे धर्म की परिभाषा दिला दो, इनसे धर्म की परिभाषा दिला दो कि धर्म क्या होता है, दिला दो। इस मुद्दे पे कभी नहीं बात करी गई कि गांव की सड़क कैसी होती है, कैसे लोग जीते हैं वहाँ, कैसे चलते हैं, कोई मतलब नहीं है, बस जातिवाद के नाम पे। ये तो मुद्दा कोई एलियन मुद्दा जैसा लगता है, पता नहीं कहाँ दो ही दूर से आया हुआ मुद्दा लगता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदेश हैगा। आदेश जी क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यहीं। जॉब करते हैं, आपका नाम? सर ऋषि। जहाँ बस्ती से परिचित हूँ और बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। जी जनाब अली, कहाँ से हैं आप? मैं गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़, दोनों जिले हैं। हाँ। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं जल्दी? हाँ बिल्कुल। हाँ। मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आज के टाइम में नेता चुन के आप भेज रहे हैं ना, उनका एक ही काम रह गया है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये बहस करते हैं। मुद्दे जबकि होने चाहिए, किसानों का मुद्दा कोई नहीं उठाता, बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठाता, सबके सब नेता सिर्फ हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के अंदर। किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठाता। आप लोग तो आज न्यूली मैरिड है, मेरे आज मेहमान हो सकते हैं। मैं तो आपसे कहूंगा आप दोनों लोग बाहर आइए, अंदर आइए और वहां जाके बैठिए, मेहमान है खुशी। नहीं आइए। अरे आप क्या बात करते हैं साहब, कभी मौके। थैंक यू सो मच दोनों, गॉड ब्लेस यू। चलिए वहाँ पे आइए। जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो डिसाइड नहीं करेगी हमें क्या, कौन सा त्यौहार मनाना है, कौन सा नहीं। इंडिपेंडेंट क्या हुए हम, जब हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें अपने त्यौहार भी, अपने जो कल्चर चल रहा है पीछे से, संस्कृति अपनी, उसको भी हम फॉलो नहीं कर सकते। सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अब हमारे लिए। नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा, लेकिन ये बात जरूर। मैं भाई, हाँ ना, हाँ जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि जैसे विभिन्न फूलों से मिलकर एक सुंदर गुलदस्ता बनता है, उसी तरह हिंदुस्तान विभिन्न धर्म जातियां ऋतुओं से बनके एक सुंदर हिंदुस्तान बना है। इसमें ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। बहुत अच्छी बात। नागर साहब एक सवाल हमारे दोनों साथियों से पूछना चाहता हूं, गौतम साहब से भी और जिंदल साहब से भी। मान लेते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन धर्म परिवर्तन करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्या हमारे अंदर ऐसी कमियां हैं, क्या उसके ऊपर डिबेट हुई, उसके ऊपर चिंतन मनन हुआ, उसके लिए संगठनों ने कोई कार्य किया? आदिवासियों के बारे में बात करी जाती है कि उनको, अभी आपने कहा नवीन भाई ने उठाया कि उनको बहला फुसलाकर, उनको कुछ सुविधाएं देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। तो क्या हमारे हमारे संगठनों के पास, सरकार के पास जी। आदिवासी और उसकी बात जो हमने कही है, उसके लिए तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, संघ के भी लोग करते हैं, सरकार के लोग भी करते हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि लोगों को डरा के, भुसला के और बोल लोभ लालच दे के, केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम भी, दूसरे भी जातियों के बदले ना, कश्मीर में तो हिंदू नहीं थे, कश्मीर में तो मुस्लिम ही थे। मैं नागर जी को बड़े सम्मान के साथ बताना चाहता हूँ, झारखंड में हमारा विश्व कल्याण आश्रम है, वहाँ 3 लाख से अधिक
आदिवासी परिवारों का वापस से घर वापसी कराई गई, वापस से उनको रोजगार का माध्यम दिया गया और उनको शिक्षा से लेके बीमारी से लेके आरोग्य से लेके सब कुछ उनकी सब कुछ ऐसा नहीं है कि हम समाज के बीच में काम नहीं करते। देखिए हमारे देश के सबसे अच्छा आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश के इस परिवार में देश के इस परिवार में ऊंच नीच का भाव कैसे, अपने पराये का भाव कैसे। कोई अपना घर छोड़ के पराये के पड़ोसी के घर क्यों जाता है? उसको अपने घर अपने बच्चे को खाओ रोटी कपड़ा मकान सब दिलाए, इज्जत और प्यार दे, उसको विकास करे, पढ़ाओ लिखाओ, कोई नहीं भागेगा कहीं भी। हाँ हमें ये मौका मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा है नवीन जी से मैं सम्मान के साथ एक पूछना चाहता हूँ। 22 साल सत्ता में हो गए हैं और खुदा करे और लंबे अर्थ तक ये गुजरात में सत्ता में रहें। मुझको बता दें गुजरात के ये मेरे आंकड़े सुन लीजिए, मेरा कहना है 8.3% जो क्रिश्चियन आदिवासी हुई हैं 22 सालों में किन बुनियादों पर हुए हैं? गुजरात के आदिवासी की दुर्दशा जो है वो उड़ीसा और झारखंड से भी बदतर है। सर ऐसा है ना जो मतलब हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं उनको केंद्र शासन का अपील है कि जो जबरदस्ती जो है ना वो उसके मतलब पार भेज दें और जो उग्रवाद के हिमायती हैं उनको भी उग्रवाद की भाषा में आना चाहिए। हिंदुस्तान में रहकर आपका नाम क्या है? आरसी शर्मा। क्या एज हो गई आपकी? 62। मैं आपका हाथ छुड़ा नहीं पाया, इतनी ताकत है आपकी। थैंक यू सो मच। मैं आपका मुद्दा रह गया लेकिन मैं आपके मुद्दे को फिर से जरूर से रेज करूंगा, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। आर पार की तैयारी के लिए प्रीति आज तैयार हैं भैया जी कहें।